श्रीकाल, मैं शिवराज सिंह ते तुसी वेख रहे हो लोक विरसा न्यूज़ हरियाणा। इस वक्त दीयां जिहड़ियां तस्वीरां ने असीं तुहानूं दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दे निवास स्थान दीयां ने, जिथे अज जिहड़ा सरपंच है वह सारे इकट्ठे होए ने। उन्हां दे वल्लों जो लगातार पिछले समय तो ई ट्रेंडिंग के खिलाफ जिहड़ा मोर्चा साध्या होया, सो उसनूं लैके अज उन्हां दे वल्लों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जिहड़ा निवास स्थान है उसका घिराव किया जाऊगा। तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकते हो कि भारी पुलिस तैनात दे वल्लों उन्हां नूं एक वारी रोक लिया गया है, बैरीगेड्स लगा दित्ते ने। दूसरी साइड जे सरपंचां दी गल करिए तां जो सारे सरपंच इकट्ठे होए ने उन्हां दे वल्लों नारेबाजी की जा रही है, सरपंच दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ जिहड़ी नारेबाजी वह की जा रही है। सो तस्वीरां इस वक्त तुहानूं सीएम दुष्यंत चौटाला दे निवास आज प्रोटेस्ट किया गया था डिप्टी सीएम की आवाज। सबसे पहले तो जितना भी मीडिया आया है उनका सभी के भाइयों का धन्यवाद जी। और निर्णय तो एक तो जी, जब तक चौटाला परिवार है जो जेजेपी वाला, जब तक वो कोई भी परिवार का मेंबर हमारे से ज्ञापन लेने नहीं आता, जैसे दुष्यंत दिग्विजय, नैना या अजय सिंह, तब तक हमारा परमानेंट धरना रहेगा यहाँ पे। तो आगे का जो है हमारा वो मतलब जब ज्ञापन लेने के बाद उसका बाद में फैसला होगा क्या करेंगे जी। वैसे तो परमानेंट धरना लगा दिया हमने। आगामी क्या रणनीति रहेगी सरपंचों? आगामी तो यही है, जब तक सरकार मानती नहीं हम पीछे हटने वाले तो नहीं है। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे हमारे को, मतलब काम जो नहीं करने, तो काम तो पहले भी नहीं करने दे रहे हमारे को, तो काम नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। गाँव वाले तो साथ हैं सभी गाँव वाले, क्योंकि जो ई टेंडर के जरिए काम पहले 2 सालों में हुए हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार पहले उनकी वो करवाए, जांच करवाए, गांवों में 20-20, 30-30 लाख रुपए कागजों में आए हुए हैं और लगे 5-5 लाख भी नहीं, यही हिसाब है सभी गांवों में। आप जाके अपने लेवल पे चेक करवा लो, क्योंकि जब हम कार्रवाई हमारे पास आई है, अब हम देख रहे हैं अभी गांवों में इतने इतने पैसे आ रहे हैं तो लगे हमारे सामने तो कोई लगा नहीं, पता नहीं कहाँ लगाए इन्होंने। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अभी लोग जागरूक हो गए हैं गाँव के, तो वो ना अभी सिर्फ सरपंचों की लड़ाई नहीं रही है, अब ग्रामीण भी साथ आ रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं, आप तो 5 साल के हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी लंबरदार प्रथा है। आप देख लेना उनका गांव में क्या हाल कर रखा है सरपंच ने, ठीक है। इसी तरह से अब ग्रामीण भी हमारे साथ आ चुके हैं, तो आप ये मत समझना कि ये तो सिर्फ सरपंच है। और पब्लिक जी काल परसों ये बोल रहे थे कि 4-5 सरपंच हैं और सब भी काम पे लगे हुए हैं, तो इतना बंदोबस्त क्यों किया हुआ है? हम तो नरवाना गए थे, वहाँ 4-4 बस भर के लेके गए थे सरपंचों की, और इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और रही बात जैसे कि इसकी ई टेंडरिंग सिस्टम की, तो मुझे आप बताइए, आप मीडिया से हो, ठीक है, आपको ये बोला जाएगा कि ठीक है आपका मीडिया कम्प्लीटली हमारे अंडर आएगा और जो आप न्यूज़ लेके आओगे वो हम अपनी मर्जी से छापेंगे, तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपका मीडिया आप खुल के बोलोगे। अब पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बोल दिया जाएगा कि आपकी वर्दी हम रख लेंगे, कोई बात नहीं है, आप अपना काम करो, तो सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता। अब हम सरपंच है, घर से निकलते हैं, लास्ट तक जाते हैं, कम से कम 100 ऐसी शिकायतें आती हैं कि सरपंच जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब छोटे छोटे कामों के लिए क्या हम ठेकेदार के पास जाएंगे? उनको भी इन चीज़ों का पता है। हम यही बोलेंगे कि सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी संभल जाए, हमें अपना काम करने दीजिए, अब ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम समेस्ता बनीवाल, उपप्रधाननाथ सूरी ब्लॉक की। देखो जी, सरकार को सारा पता है, सीआईडी एक एक मिनट की रिपोर्ट हैगी है, हूँ सरपंच साहब इतने आई हैं खड़े हैं, आज गड्डिया खड़िया ने जड़े इन्हों के वर्कर ने सारे मिलने आ जाते हैं, तो साड़ी सरपंचों जो चुने प्रतिनिधि ने सारा पता सी, सीआईडी ने एक एक मिनट की रिपोर्ट सी भी सरकार ने सरपंचा ने कहा है भी उन्होंने गेट अगे जाके बैठना है, धरना लाना है, आपका ज्ञापन देना है। अगे किसानी अंदोलन रहा, यह सरपंच चुने प्रतिनिधि ने, अभी कोई चोर तो नहीं है या कोई डाकू तो नहीं है जो सू इतें पाया जा एक किला अगे नहीं जान दिता, ये जो इन्होंने बीजेपी के जेजेपी के वर्कर ने वह अंदर जा सकते हैं, फोटो भी आ रहे हैं जो वर्कर ने वो सोशल मीडिया के फोटो भी पा रहे हैं, अंदर मीटिंगा चल रही उन्होंने वास्ते तो इन्होंने को टाइम हैगा, तो जोड़े चुने प्रतिनिधि ने इन्हों इतने बैरीगेट ला के पाया गया, तो सारे हूँ इन्हें निर्णय लिया भी जिन्ना चेर वो आके इतने मान लो ज्ञापन नहीं होंगे सारा नहीं आता, उन्होंने टेंट गागी कह दिया टेंटा टेंट आ जाता टेंट लग जाएगा, तो इतने पक्के बैठे हैं जी।